जी अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि पार्क जोन में हमारे पास आए दिन कोई ना कोई वाकया हुआ रहता है, तो आज एक साहब मेरे पास आए इंटरव्यू के लिए पाकिस्तान से, फुरकान सिद्दीक। जी आप सर, पहले से यहाँ सादिक कितना सादिक सॉरी सादिक जी। फुरकान सादिक। अच्छा, स्टोरी ये है कि ड्यूरिंग इंटरव्यू जब ये वाकया आया, ये टाइम आया, मैंने इनसे पूछा कि यार आपके हमारे से कुछ क्वेश्चन होंगे, जाहिर है हम एज ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं तो आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो इनके ना एक क्वेश्चन नहीं थे, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो मैंने सोचा कि यार वेट कर, अगर आप माइंड नहीं करते तो हम ये एक रिकॉर्ड कर लेते हैं वीडियो, ताकि वो लोगों का भी फायदा हो जाए। व्हाई नॉट ठीक है, जी चलिए फुकान अपना थोड़ा सा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे, और माशाल्लाह आपने क्वेश्चन लिख के रखे हुए हैं, जी जी दैट आई कैन सी, ओके। तो लेट्स गो सो ऑन। एज यू टोल्ड, मेरा नाम फुरकान है, मैं लाहौर से हूँ और मेरी ग्रेजुएशन नस्ट इस्लामाबाद की है। मैंने बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंस किया हुआ है और यहाँ पे मैं इंटरव्यू के लिए आया था। और फिर हमारी काफ़ी अच्छी डिस्कशन हुई, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो इनसे मैं पूछना चाहता हूँ, ताकि बेस्ड ऑन दैट डेटा आई वुड डिसाइड इफ़ आई वॉन्ट टू गो विद द कंपनी और नॉट। तुम्हारा एक बैकग्राउंड है, तुमने खुद मुझे बताया जी जी कि जो कौन सी कम्युनिटी थी जिसको आपने हेड किया हुआ है। जी ड्यूरिंग माई टाइम एट नस्ट मैं मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एसोसिएटेड रहा, जहाँ पे मुझे अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे काम करने का मौका मिला। तो जब मैं इनसे इनके साथ डिस्कशन हो रही थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये चीज़ें आपकी अच्छी हैं, तो उसका बैकग्राउंड क्या है। तो मैंने इनको वो बैकग्राउंड एक्सप्लेन किया कि किस तरह से मैंने वर्कआउट किया इन चीज़ों के ऊपर। तो अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं सर, सर ठीक है, प्लीज अब रेडी हैं? गो अहेड, गो ओके। अहेड सो मेरा पहला सवाल ये है कि अगर जी। मैंने खुद भी अमेज़ोन का काम स्टार्ट करना है, हाँ मैं उसको आपको 70-80 हज़ार या लाख क्यों पे करूं, जबकि मुझे तमाम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल रहा है और इंटरनेट पे मिल रहा है। अच्छा, 1,70,000 ये पाक रुपीज की बात हो रही है, हम दिरहमों में पैसे लेते। ठीक ठीक है, है। अच्छा मतलब वही 1,000-1,200 दिरहम। एनीवे, अच्छा क्वेश्चन आपका ना, ये ऑलरेडी हमारे यहाँ डिस्कस बहुत है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें, आप नेट से सीख सकते हैं, नो डाउट, मटेरियल बहुत पड़ा हुआ है, लेकिन असल में हम क्या वैल्यू प्रोवाइड करते हैं ऐसी जिसका लोग पैसे मुझे दें आके? या सबसे पहले तो आप इस बात को समझें कि आपको ये अमेज़ॉन का काम सीखने के लिए ना तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, और वो क्या हैं कि आपको पता हो कि आपने बेचना क्या है। ठीक है, ये सिखाए कोई आपको, आप रिसर्च करके भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपका कोई टाइम शॉर्ट कर दे, फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, वो आपको 2 हफ्ते या 1 हफ्ते का काम है, मैं आपका वो काम 2 घंटों में कर दूँ, आप पूछे कैसे? कैसे? ऐसे मैंने रिसर्च करके प्रोडक्ट्स रखी हुई हैं, मेरे पास ओवर 3,000 SKUs का डेटा मैंने अपनी वेबसाइट, पेड एक्सेस है हमारी वेबसाइट की, उस वेबसाइट पर डाला हुआ है। ठीक उस है। उन 3,000 SKUs का मतलब पता है क्या है? मतलब यह है कि वो ऑलरेडी हम खुद बेचते हैं, हमें पता है वो बिक जाती हैं, किन कीवर्ड्स पे वो बिकती हैं, कैसे बिकती हैं, ये हम सारा कुछ सिखा देते हैं। अच्छा, एक तो ये बात होगी, दूसरा ये इम्पोर्टेंट चीज़ कि भाई अब इसको रैंक कैसे करवाना है, ठीक है। प्रोडक्ट तो मिल गई जी जी है, जी जी ठीक है, अब इसको रैंक कैसे करवाना है? रैंक करवाने के लिए हम आपको पेड कैंपेन नहीं होती, एडवर्टीजमेंट कैंपेन जो होती है, उसके कुछ गुर हैं हमारे पास, ठीक है। मतलब वो ज़ाहिर एक्सपीरियंस के बाद आ जाते हैं, सिर्फ हमारे पास नहीं होंगे, बहुत सारे लोगों के पास और भी होंगे, लेकिन डिफरेंस ये है कि प्रोडक्ट हम खुद भी सेल करें, हमें पता है एग्जैक्टली कैसे बिकती हैं। अच्छा, तो वो उन गुर को हम आपको सिखाते हैं कि भाई कितने किस तरह की कैंपेन होनी चाहिए, उसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कितनी देर के लिए जाओ, कितनी देर के लिए बंद कर दो, फिर डिफरेंट वेरिएशंस, ये सब हम सिखाते हैं। अच्छा, तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वो है फुलफिलमेंट सेंटर। जाहिर है वो आप कहीं ना कहीं अपने घर पे बनाओगे, ठीक है, जहाँ रहते हो वहाँ बनाओगे ना, एक तो यहाँ UAE में जा सकती है, दूसरा ये कि कोई ना कोई वेयर हाउस की एक्सेस लोगे, तो हमारा फुलफिलमेंट सेंटर भी है नीचे। तो ठीक है। तीन चीज़ें ऐसी हमने वन विंडो सोल्यूशन में दी हैं कि जो आई थिंक हम तो पाइनियर्स हैं UAE में, और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा हमारा कंपेटिटर भी है जो कि ये काम कर रहा है, इवन ऑनलाइन तो छोड़ो, यहाँ पे फिजिकल भी कोई नहीं मिलेगा आपको। चलिए, मेरा क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। लेट्स से मैं आपके साथ साइन अप करता हूँ, 1,200 AED मैंने पे कर दिया आपको, और मैं डेडिकेटेड हूँ, मेरे में एफर्ट है, सारा कुछ है, ठीक है। मैंने आपका कोर्स अटेंड किया, मेरी सक्सेस का क्या चांस है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि आप प्रॉमिस कर रहे हो कि आपके पास वन विंडो सॉल्यूशन है, ऐसे ही है? वेरी नाइस। तो हाँ आपका सक्सेस रेट क्या है अभी तक? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, सक्सेस रेट हमारा ये है कि हमने बथेरी बथेरी अपनी ना यहाँ की वीडियोस रिकॉर्ड कर करके डाली हैं कि हमारे यहाँ कल्चर है अल्हम्दुलिल्लाह, ये है कि जो लोग हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, ड्यूरिंग ट्रेनिंग उनके ऑर्डर स्टार्ट हो जाते हैं, ड्यूरिंग ट्रेनिंग। अब मुझे कैसे? बताएं। रीज़न वही है कि प्रोडक्ट्स हमें पता हैं कौन सी बिकती हैं,
और किन के ऊपर आजकल ट्रेंड है, या ये ट्रेंड कैसे नोट करते हैं, कीवर्ड्स कैसे ट्रैक करते हैं, किन चीज़ों को कैसे लगाएंगे बिक जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस आई कैन गेज के 90% ऐसे लोग हैं जिनके ना ड्यूरिंग ट्रेनिंग ऑर्डर्स आ जाते हैं। बंदा थोड़ा सा बंदा या बंदियों के भी आते हैं, थोड़ी सी स्मार्ट होनी चाहिए और डेडिकेटेड पैशनेट वर्किंग उसकी चाहिए। तो अगर एक क्वेश्चन मेरे इसी से रिलेटेड, अगर कोई हमारी ऑडियंस में से वेरीफाई करना चाहे तो इस परसेंटेज को वेरीफाई कर सकता है, आके देख सकता है, बिल्कुल, उनसे पूछ सकता है, बातचीत कर सकता है जो लोग। अच्छा, उसकी वेरीफिकेशन के लिए भी मैंने बड़ा मजेदार काम किया है। वो क्या किया कि अब हम ना सर्टिफिकेट इशू करते हैं, ठीक है, यानी कोर्स कम्प्लीशन के बाद ना सर्टिफिकेट इशू करते हैं। अब उसमें ज़्यादातर लोगों के ना सर्टिफिकेट हम जब कहते हैं, पूछते हैं यार कैसा जर्नी रहा, क्या मतलब अभी तक का तुम कितने ऑर्डर आए हैं, सेल कितनी की है, तो आप खुद देख लीजिएगा उसमें से आप गेज कर लें लोगों के ऑर्डर्स आए होते हैं, कईयों के नहीं भी आते, ऐसा नहीं है कि कईयों के उनका उनका उनके साथ आप क्या करते हैं जिनके ऑर्डर्स नहीं आते, जो फेल हो जाते हैं उनको कैसे हेल्प आउट करते हैं? वेरी गुड यार, हम उनके साथ एक तो पहली बात है ताल्लुक नहीं टूटता। एक दफ़ा आपने हमें पैसे दे दिए, नहीं भी दिए, हमारे चैनल्स पे आपने ज्वाइन कर लिया, आपका ताल्लुक हमसे नहीं टूटेगा। जिसने पैसे दिए वो तुम्हारा पेड मेंबर बन गया ना, अब सारी ज़िंदगी के लिए हमने उसको सपोर्ट देनी है। हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 6-6, 8-8 महीने से हमें अप्रोच कर रहे हैं, वो आते हैं हमारे पास, चाहे वो व्हाट्सएप पे आएँ यानी मीटिंग्स में आएँ, या चाहे वो हमारे पास फिजिकली उसके बाद तो कोई पैसे चार्ज नहीं करता, पैसा कोई चार्ज नहीं, ठीक है। अच्छा, अब उनको जो भी हेल्प चाहिए ना, उनको फुलफिलमेंट में चाहिए, वो कहते हैं जी मैंने 5 प्रोडक्ट डिसाइड किया, मुझे अप्रूव कर दें, हम कर देते अच्छा हम या तो रिजेक्ट कर देते हैं या अप्रूव कर देंगे। अच्छा, बार बार उनको बताते हैं कि भाई आपकी, जब वो आते हैं ना विजिट करते हैं हमें, तो हम उनको कहते हैं भाई पूरे दिन में किसी भी वक्त आ जाएं, लेकिन जब आप आए ना तो 2 घंटे का आपने प्लस माइनस वेरिएशन लेके आनी है, ताकि हम यहाँ पे बिजी रहते हैं तो जब टाइम मिले आपको दे दें। अच्छा, होता ही है कि वो आके हम अपनी प्रॉब्लम्स को डिफाइन करते हैं सबसे आगे कि जी हमने मैंने ये किया, मैंने वो किया, फिर भी ऑर्डर नहीं आए। अब कुछ तो है किस्मत, किस्मत से मुराद ये है कि कईयों के थोड़ा सा काम करने पे आ जाते हैं ऑर्डर, कईयों के बहुत सारा काम करने के बावजूद भी ऑर्डर नहीं आते, उनको मजीद काम करना पड़ता है। तो कंसिस्टेंसी, एक तो कंसिस्टेंसी का हम बताते हैं कि भाई कंसिस्टेंसी अचीव करो, दूसरा एक उनकी गलतियाँ बता देते हैं, प्रोडक्ट्स जो नई हमें आइडेंटिफाई होती हुई होती हैं उनको बताते हैं भाई ये जाके लिस्ट कर लो और हम आ जाते हैं ऑर्डर। चलें सर, अगला सवाल मेरा ये है कि हाउ वी कैन स्टार्ट अमेजोन बिजनेस विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। हमें बथेरे मैसेजेस आते हैं कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मेरे पास तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, मैं इतने पैसे आप इतनी महंगी आपकी ट्रेनिंग मैं लूँ कैसे, ठीक है। अब मेरा ख्याल है मोर लेस यही क्वेश्चन हो जाएगा। अच्छा, अब मैं मुझसे अगर कोई पूछे, मैं बड़ा क्लियरली मेंशन करता हूँ कि यार मैं ना बिजनेस सिखा रहा हूँ, तुम पहले दिन बिजनेस कर ही क्यों रहे हो, अभी तुम्हारे पास कोई सेविंग नहीं है, तुम्हारे अब्बा के पास से कोई तुम्हें ट्रांसफर नहीं हो रहा, कोई सोर्स ऑफ फाइनेंस नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम क्यों बिजनेस कर रहे हो। ये मैं बिजनेस सिखा रहा हूँ, आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं पहले दिन से, ठीक है। आपको पता है यहाँ जब बंदा लैंड करता है ना हमारे पास, पहले सबसे पहले उसका अमेजोन का एक्चुअल उसके नाम पे उसके बैंक डिटेल्स के साथ अकाउंट खुलता है। बैच शुरू होने से पहले, पहले दिन की क्लास शुरू होने से पहले उसका बैंक अकाउंट, उसका अकाउंट रेडी होता है, ठीक है, ताकि वो पहले दिन नेविगेट करे अकाउंट को, शुरू कर देगा। अच्छा, अब वो देखो उसके पास पैसे हैं, वो रेडी है। अब आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने ये कैमरामैन से भी रिक्वेस्ट करूँगा, ये दिखाएं जी, ये हमारा सोशल मीडिया फेसबुक के ऊपर ये पेज है, ठीक है, इसी तरह हमारे YouTube के ऊपर ये एक चैनल है, इनके ऊपर वापस आ जाए मेरी तरह, इनके ऊपर है क्या मज़े की बात पता क्या है, इनके ऊपर सर एग्जैक्ट हमारी ट्रेनिंग ना फ्री पड़ी हुई है, जो मुझे पैसे नहीं दे सकता, जो पैसे अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको समझ दिया, स्किल दी है। मेरे इन चैनल्स में जाए, हमारा एक प्राइवेट ग्रुप भी है, ओके, फ्री टू ज्वाइन, ठीक है। ओनली थिंग कि आपने, मेरा ख्याल है क्वेश्चंस भी मैंने पहले रखे थे, अब तो मैंने क्वेश्चंस भी रखे हैं, आप सिर्फ नेक नीति से हमारा ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पर लाइव ट्रेनिंग भी होती हैं, अभी भी लाइव जाता हूँ मैं खुद भी और लोग भी जाते हैं, लेकिन ऑनलाइन पढ़े हुए हैं पूरे पूरे हमारे लेक्चर्स के वीडियोज, यूट्यूब पर भी, फेसबुक के ऊपर भी, आप वहाँ से स्किल सीखें और भाई लग जाए दुनिया में अपनी स्किल बेचने को। मतलब इन शॉर्ट, वो बंदा अपनी स्किल सेट पे काम करे, जब उसके पास इनाफ पैसे आ जाएं तो हमारा कोर्स इनरोल करे, बिजनेस कर ले, बिजनेस कर ले। हाँ, ठीक है सर, मुझे ये बताएं कि एज ए कंपनी, आपका एज ए कंपनी क्या विजन है, और आपके लेट से मैं ज्वाइन करता हूँ, तो अगर मैं आपके साथ लॉन्ग टर्म चलता हूँ, तो मैं इंडिविजुअली आपके एम्प्लॉयज़ को आप कहाँ पर देखते हो 5 सालों के बाद, या लॉन्गर रन में 5 साल 10 साल
ठीक है, और आप अपनी कंपनी को कैसे देखते हैं? अच्छा, बड़ी बड़ी मज़ेदार है। सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ मेरा इंडिविजुअली क्या विज़न है पार्क जोन के हवाले से, जो कि मेरा और शकील अहमद मीर साहब का हमारा डिस्कस्ड है, अलाइंड हैं हम एक दूसरे से इस विज़न के ऊपर। वो ये है कि 2030 तक अल्लाह ने चाहा तो हम चाहते हैं 1 करोड़ लोगों को एम्पावर करना। किस तरह एम्पावर करना? $1,000 उनको मंथली घर बैठे या कहीं पे भी बैठे उनको कमाना आता हो ऑनलाइन ज़रिए से, चाहे वो फिर अमेज़ॉन हो, शॉपिफाई हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, किसी भी तरह जो रीज़नेबल सोर्सेज हैं। आपको भी पता होगा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ा है इंटरव्यू के लिए, तो आपने देखी है कुछ रियल स्टोरीज होती हुई देखी होंगी आप। देख रहा था कुछ लोग डेमो चल रहे आए हुए थे। जी जी, ठीक है ना, उन लोगों ने मतलब अपनी तरफ से जो भी वो करना चाहते हैं, और कुछ लोगों को हमने सर्टिफिकेट भी इशू किए हैं। आपके सामने कुछ लोगों की वीडियोज रिकॉर्ड हुई जिनके ऑर्डर आए हुए थे। हाँ हाँ, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें आपके सामने मौजूद हैं। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं कि अब मैंने तो ये विज़न बना लिया, अब हम करेंगे क्या? अब मैं अकेला तो नहीं कर सकता ये, हमें एक्सपेंशन की ज़रूरत है, हमें ऐसे एनर्जेटिक लोगों की ज़रूरत है जो मेरे इस विज़न से अलाइंड होते हो। फिर यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी, फिर यहाँ पे भी होंगी, शायद सऊदी में भी होंगी, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सेटअप। आपको पता है मतलब 10 मिलियन पीपल इस तरह आसानी से नहीं आप अचीव कर सकते, आपको अपना एरिया वाइड करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, तो एम्पावरमेंट तो हमें समझ आ गई करनी क्या है, लेकिन अच्छा कैसे करनी है ये भी समझ आ जाती है। अब वो क्या इतनी कैपेसिटी है अमेज़ॉन में? भाई है, पूरी दुनिया में बैठा हुआ है अमेज़ॉन। आपको पता है अमेज़ॉन कितने ट्रिलियन का जाइंट है? एग्जैक्टली, ठीक है ना, तो कैपेसिटी तो है। अब बात आ जाती है हाउ, कैसे करेंगे, फिर हम एक्सपेंशन करेंगे। अब जहाँ तक बात आ जाती है कि एम्प्लॉयमेंट, जो लोग मेरे साथ काम करना चाहते हैं उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी, उनका विज़न क्या है? भाई मेरा तो बड़ा सिंपल और क्लियर विज़न है, मैं सर्विस बेच रहा हूँ, ठीक है, उस सर्विस को बेचने के लिए मुझे अच्छे लोग चाहिए, और उनका ग्रोथ प्लान हमने ऑलरेडी सेट किया हुआ है। अब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास क्लियर स्ट्रक्चर है कि आप हमारा एम्प्लॉई जो है कौन से लेवल से उठ के अगले लेवल पर कैसे जाए और उससे ऊपर कैसे जाए, तो ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह विज़न है। चले, मेरे इतने सवाल थे आपसे। हाँ चले, बहुत शुक्रिया। एनीवे, थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया, मुझे मज़ा, असल में तुमसे बात करने का मुझे बहुत मज़ा आया था, तो मैंने सोचा कि यार ये एक ऐसी चीज़ है कि कल को लोग मुझसे जो जुड़ना चाहते हैं इन एनी फॉर्म, यानी वो एज अ मेम्बर जुड़ना चाहते हैं स्टूडेंट के तौर पर, या वो इंटरेस्टेड हैं मेरे साथ मिलकर काम करने पर, तो आपके पास अगर कोई स्पेशल स्किल है जो कि मेरे विज़न से रिलेट करती है, वो है कि लोगों को एम्पावर करना, हमने उनको $1,000 कमाना सिखाना है, तो प्लेटफॉर्म मेरे पास मौजूद है, इसको मैं एक्सपैंड करना चाहता हूँ। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे सारी कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन नीचे कमेंट्स में या ऊपर बायो के लिंक्स में कहीं ना कहीं मौजूद होते हैं। टीम मेरी बैठी हुई है, आप लोगों ने कनेक्ट करना है तो जिस फॉर्म में भी कनेक्ट करना है वो आप अपना वहाँ बताएँ।